मध्य प्रदेश छतरपुर जिला गुढ़ा ग्राम के निवासी श्री उपेंद्र दीक्षित जी वर्तमान में वृंदावन में निवास करते हैं। उनका ये प्रश्न है और आप लोग बड़े ध्यान से प्रश्न सुनिएगा, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता तब तक उत्तर भी समझ में नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 6-6वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रश्न ये है, किस श्लोक का अर्थ है? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दूसरा इसका विरोधाभास ये है कि भगवान ने प्रारंभ में कहा कि अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस मृत्यु लोक में धर्म की ग्लानि होती है तो प्रायः सभी जितने भी मनुष्य हैं वो सब पशुवत एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं। इसलिए मनुष्य के लोक में आकर मैं उस धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो तात्पर्य ये है प्रश्न का कि ये किस धर्म को त्यागने की बात करते हैं? तो यदि भगवान धर्म के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं तो फिर धर्म के त्याग की बात क्यों करते हैं? ये है तात्पर्य। तो प्रथम बात तो ये है कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ना हो, उसके रहस्य को जानना हो, तो गुरु मुख से ही प्रारंभ से अंत तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब में प्रकरण होते हैं, प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, कब किस प्रकरण में कौन सी बात कही गई है। तो ऐसे तो प्रत्येक ग्रंथ में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ विरोध हो गया, यहाँ ऐसा कह दिया और वहां वैसा कह दिया, तो इस श्लोक को पहले समझ लेने लायक है। भगवान ने जो कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, उनका तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्य, मनुष्य का मतलब स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार ही विभागों से विभक्त मनुष्य हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा? उसको एक पुरुष को एक स्त्री और धन मात्र की कामना रहेगी, तो स्त्री और धन मात्र के लोभ से वह किसी की भी स्त्री और किसी के भी धन में आक्रमण करेगा। धर्मात्मा व्यक्ति आत्मनियंत्रित होता है। जब सारी जगह पशुता हो जाएगी, हिंसा ही हिंसा दिखाई देगी, तो धर्म की इसी को ग्लानि कहते हैं। तो प्रायः सभी मनुष्य यदि अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो जैसे जंगल में, वन प्रदेश में सारे बलवान पशु अपने निर्बल पशुओं का संहार कर देते हैं, ऐसे ही मनुष्य जब आत्मनियंत्रित नहीं होगा तो ये बिल्कुल पशु जैसा हो जाएगा। तब क्या करेंगे? बोले तब तदात्मानम सृजाम्यहम्, मनुष्य को व्यवस्थित करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। ये है उसका तात्पर्य। और ये जो तात्पर्य है
सर्वधर्मान परित्यज्य संपूर्ण गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा कि धर्म पालन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। अर्थात आप धर्मास्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथाश्विया नोत्पादयेद रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि धर्म में अगर धर्म का आचरण व्यक्ति करता है और उसके अंतःकरण में हृदय में ईश्वर का भाव बिल्कुल ही नहीं है, धर्म और ईश्वर दोनों एक साथ होना चाहिए। यदि धर्म और ईश्वर एक साथ नहीं है तो अकेला धर्म पालन तो दुराग्रही बना देता है। तब भगवान ने कहा कि वास्तव में धर्म वही है जो भगवान की शरणागति प्राप्त करा दे। अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये किस काल की बात है, जब भगवान आमने सामने खड़े हुए हैं। तुम सभी धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। ये कब कह रहे हैं, जब वो आमने सामने ही खड़े हुए हैं। अब धर्म का त्याग करने से पाप लगेगा, तब क्या होगा, बोले हम तो आप सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। धर्म त्याग करने से जो तुम्हें पाप लगेगा उससे मैं मुक्त करूंगा। इसका क्या तात्पर्य निकलेगा, इसका तात्पर्य यह निकला कि अपने धर्म का त्याग करने से पाप लगता है। ये बात सिद्ध हुई ना। अगर भगवान ये कहते कि तुम्हें धर्म त्याग करने का कोई पाप नहीं लगेगा, तुम आ जाओ, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने ये कहा कि तुम सभी धर्मों का परित्याग करके और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और फिर कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य है कि पाप तो लगेगा ना धर्म त्याग करने से। तो मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम जाति के धर्म का परित्याग करके मात्र ईश्वर की भक्ति करे, तो वास्तव में यदि जैसा भगवान चाहते हैं वैसी ही शरणागति हो जाए तो भगवान अपने बल पर अपने प्रभाव से आपको उन पापों से मुक्त कर देंगे। क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं मोक्षयिष्यामि, तो मुक्त कर दूंगा। किंतु किसी व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण ही ना की हो और धर्म का त्याग कर दिया हो, उसके लिए मैं संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति धर्म का त्याग कर देगा, जो व्यक्ति धर्म का त्याग कर देगा वो निश्चित ही है कि विपरीत आचरण करेगा। तो जब विपरीत आचरण करेगा तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो अधर्म का उत्थान होगा। तो अधर्म के उत्थान से क्या होगा, कोई की राजा परीक्षित को शाप के बाद जब शमीक ऋषि ने अपने बालक से कहा कि तुमने ये क्या किया, तुमने उस धर्मात्मा पुरुष को शाप दे दिया, जिस राज्य में जिस देश में जिस राष्ट्र में धर्मात्मा शासक नहीं होता तो सुनाम कपीनामेव वर्ण संकरः। तो सुन माने होता स्वन माने कुत्ता और कपी माने बंदर। सुनाम कपीनाम एव वर्ण संकरः। देखिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय है। यदि कोई राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो अधार्मिक होने के कारण मनुष्य ऐसे पैदा होंगे जैसे कुत्तों और बंदरों के वर्ण संकर पैदा होते हैं। तो अब धर्म का कितना महत्व कहलाया कि जिस जाति जिस वर्ण की जो कन्या हो वह उस जाति के उस वर्ण के पुरुष से विवाह करे, ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण के साथ विवाह करे, क्षत्रिय जाति का क्षत्रिय के साथ विवाह करे, वैश्य जाति का वैश्य के और शूद्र जाति का शूद्र के साथ। यही मनुष्य की व्यवस्था है, इसी का नाम वर्ण है।
इसलिए भगवान ने कहा कि तुम, मैं सामने खड़ा हूं। परिस्थिति क्या है कि जितने धर्मात्मा हैं, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी जैसे, वे धर्मज्ञ पुरुष ही धर्मात्माओं के विरुद्ध खड़े हुए थे। युधिष्ठिर आदि को मारने के लिए तैयार थे और वह अर्जुन आदि को मारने के लिए तैयार थे। अब भगवान किस लिए आए हैं? तो आप अधर्म की तरफ से लड़ने वाला धर्मात्मा भी अधर्मात्मा ही कहा जाएगा। तो इसलिए अर्जुन से, इसलिए जिस काल में जो बात कही जाए उस काल को समझने योग्य है। तो अगर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, इसका तात्पर्य ये है कि अर्जुन को जो अधर्म की शंका हो रही है कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को मारने से मुझे पाप लगेगा, उस पाप की निवृत्ति के लिए भगवान ने कहा कि तुम इस युद्ध को करो और जो तुम्हें पाप लगेगा उसको मुक्त मैं करूंगा। इसलिए धर्म का विधाता मैं हूं और धर्म के विघातक ये हैं। इसलिए धर्म के विघातक अपने गुरु ही क्यों ना हो, अपने दादा माता पितामह क्यों ना हो, उनको मारने का जो पाप लगेगा उससे मुक्त मैं करूंगा। इसलिए परिस्थिति, समय, प्रकरण, स्थिति के अनुसार ही किसी की संगति लगाई जाती है, नहीं तो वाक्य में विरोधाभास दिखाई ही देता है। तो जिस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, उस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान आते ही हैं। किंतु अर्जुन मात्र से कह रहे हैं, सबसे तो नहीं कह रहे ना। तो कोई अगर प्रसन्न होकर के कोई धनाढ्य व्यक्ति किसी सेवक से कहे कि जितना चाहो जो चाहो सो मांग लो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धनाढ्य व्यक्ति सबको यही कहता है कि जो चाहो सो मांग लो, किसी एक व्यक्ति से प्रसन्न होकर के। इसलिए भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा, तुम धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागति स्वीकार कर लो। इसका मतलब है कि वो सिर्फ उसी के लिए कह रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रहे कि आप धर्म का त्याग करके चल दोगे। तो अर्जुन जैसे आप नहीं है कि धर्म का त्याग करके भगवत शरणागति स्वीकार कर लोगे। लेकिन भगवान ने इस श्लोक के अंतिम में ये सिद्ध कर दिया कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, अर्थात धर्म का त्याग करने का जो पाप लगेगा उससे मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। इससे सिद्ध होता है कि धर्म का त्याग करने से पाप लगता ही है। वो भगवान थे, अर्जुन सामने थे, इसलिए वो मुक्त कर देंगे और मुक्ति भी दे देंगे। लेकिन वर्तमान काल दशा में अगर कोई धर्म का त्याग करता है तो धर्म के त्याग से होने वाला जो पाप है उससे मुक्ति वह स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए भगवान वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के लिए आते हैं और वह उसी धर्म की बात कह रहे हैं। किसी व्यक्ति के लिए कही जाने वाली बात सार्वजनिक नहीं होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।